भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले मैनचेस्टर टेस्ट के रद्द होने का आईपीएल 2021 पर भी असर पड़ रहा है। जी हां, इंग्लैंड के खिलाड़ी टेस्ट रद्द होने का असली जिम्मेदार टीम इंडिया को मान रहे हैं और भारतीय टीम से खफा हैं। इस वजह से आईपीएल 2021 में हिस्सा लेने वाले 5 खिलाड़ी, जिसमें जॉनी बेस्टो, सैम करन, मोइन अली, डेविड मलान और क्रिस वोक्स में से एक लीग से हट सकता है, ये सुबह खबर आ रही थी। और अब ये पक्की खबर आई है कि जॉनी बेस्टो, क्रिस वोक्स और डेविड मलान ने फिलहाल आईपीएल से विथड्रॉ कर लिया है, यानी कि खुद को आईपीएल से अलग कर लिया है। इन सभी इंग्लिश खिलाड़ियों को टीम इंडिया के साथ ही स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए यूएई पहुंचना था, जहां इन सभी को 6 दिन का क्वारंटाइन में रहना था। बता दें कि शुक्रवार से मैनचेस्टर में टेस्ट सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला खेला जाना था, लेकिन टॉस से 2 घंटे पहले ही मैच को रद्द कर दिया गया। ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ इंग्लिश खिलाड़ियों ने यह दावा किया है कि भारतीय खिलाड़ियों ने कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन नहीं किया। टीम के असिस्टेंट फिजियो योगेश परवार ने कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों को होटल में क्वारंटीन में रहना था, लेकिन वो टेस्ट से 1 दिन पहले यानी गुरुवार शाम को मैनचेस्टर में घूम रहे थे। मैनचेस्टर टेस्ट भले ही शुक्रवार सुबह रद्द घोषित किया गया, लेकिन इसके कैंसिल होने की बुनियाद 1 रात पहले ही डल गई थी। दरअसल गुरुवार देर रात ईसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉम हैरिसन के पास सभी भारतीय खिलाड़ियों का साइन किया गया एक मेल आया था। इसमें लिखा गया था कि वो ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट खेलने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ईसीबी ने 1 या 2 दिन की देरी से मैच शुरू करने की पेशकश भी की थी। हालांकि भारतीय खिलाड़ी इसके लिए राजी नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अपने कोरोना संक्रमित होने का डर सता रहा था, खासतौर पर वो खिलाड़ी जो बीते दिनों टीम के असिस्टेंट फिजियो योगेश परमार के संपर्क में आए थे। योगेश की गुरुवार को ही कोरोना रिपोर्ट निगेटिव नहीं आई थी, पॉजिटिव आई। ये टेस्ट जरूर खेला जाता, लेकिन इसके खत्म होने के 4 दिन बाद ही यूएई में आईपीएल 2021 का दूसरा फेज शुरू होना था। ऐसे में अगर मैनचेस्टर टेस्ट 1 या 2 दिन की देरी से भी शुरू किया जाता तो आईपीएल की कई टीम के कप्तान और बड़े खिलाड़ी शुरुआती मुकाबलों में नहीं उतर पाते। इसके बावजूद ईसीबी के सीईओ हैरिसन ने जोर देकर कहा कि मैनचेस्टर टेस्ट के रद्द होने का आईपीएल 2021 या कोविड-19 से कोई लेना देना नहीं। दरअसल खिलाड़ी बीते कई महीनों से बायो बबल में रह रहे थे और इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा था। इस बीच टीम इंडिया में एक के बाद एक कई लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, इससे भारतीय खिलाड़ी घबरा गए थे और वही कोरोना संक्रमित ना हो जाए, इस वजह से ब्रिटेन से जल्दी वो निकलना चाहते थे। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।